जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों के लिए मैं नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूं अपने YouTube चैनल पैकिंग पंच में। तो इसी बिहाफ पे आपको मैं आज लेकर आ गया हूं कुछ बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो मशीनरी के बारे में हैं, क्योंकि लोग मशीन तो ले लेते हैं, बाद में वो फंस जाते हैं कि हम इस मशीन का करें क्या। तो मैं इसी बिहाफ पे आपको बात करने वाला हूं। अगर आप कोई भी पैकिंग मशीन या फिर कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसकी पूरी फुल जानकारी आप इकट्ठा करें और अपने मार्केट को भी रिसर्च करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस, जैसे मसाला का बिजनेस स्टार्ट करना हो, फ्रेम्स का करना हो, नमकीन का करना हो, कुरकुरे का करना हो, चिप्स का करना हो, या फिर अगर आप कोई भी खड़ा मसाला वगैरह, या फिर आप अगर किसी भी ब्रांड में अपना ब्रांड उतारना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जैसे गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, पान बहार हो गया, तो इस तरीके का आइटम अगर आप निकालना चाहते हैं तो दिए हुए स्क्रीन नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके हमसे ये मशीनरी आप परचेज कर सकते हैं। तो इसी बिहार पर हम जो मशीन मैनुफैक्चरिंग करते हैं वो हमारा पहला मशीन होता है FFS पाउच पैकिंग मशीन, दूसरा होता है न्यूमेटिक मशीन, तीसरा होता है कॉलर टाइप और चौथा होता है हमारा लोड सेल पाउच पैकिंग मशीन। तो इस सारी मशीनी की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो वीडियोस है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, या फिर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो नोएडा सेक्टर 10 में है। जो हमारी कंपनी और मैं जो मिलकर बनाता हूँ, वो आपका कोई भी मशीनरी जो है वो पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आपको सर्विस के लिए तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपका सर्विस और आपकी मशीन की पूरी मरम्मत जो है वो नज़दीकी से ही मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ कि हमारे पास जो मशीनरी होती है वो सारी पैकिंग मशीन से लेकर के आपका सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपका नज़दीकी जो भी है आपका वो ट्रांसपोर्ट से वहाँ तक पहुँच जाता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में मशीन की पूरी जानकारी दूंगा, कौन कौन सी मशीनरी है। जैसे प्लांट की भी सुविधा है, अगर आप कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपका नमकीन का प्लांट हो गया, कुरकुरे प्लांट हो गया, या फिर आप अगर माउथ फ्रेशनर का हो गया, या फिर गुटखे का प्लांट लगाना हो, या फिर आपको चिप्स का प्लांट लगाना हो, thank you.
ये सब की मशीनरी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। और अगर आपको अगर छोटी उद्योग लगानी है तो हमारे पास छोटी छोटी भी मशीनरी मिल जाएंगी सारी नमकीन की, या फिर आपको गुटखे की, या फिर आपको जो मसाले की आइटम्स होती है वो आप ले करके अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर रही बात, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है आपको रोज़गार स्टार्ट करने में, कि अगर आप अपना ब्रांड बनाते हैं तो आपको पहले जो पेपर प्रिंट करानी होती है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले आप देख लें कि हमें बजट कितना लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग जो जाती है वो मैं बता दूं कि पेपर में ही जाती है, क्योंकि पेपर जो है आपका वो रेगुलर यूज़ होने वाला होता है, क्योंकि बिना पेपर का आप ब्रांड नहीं बन सकते। पेपर रोल आपको प्रिंट करवाना ज़रूरी हो जाता है, उसमें आपका लमसम 90,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की खर्च आती है स्टार्टिंग में। फिर आपको बार बार वो चीज़ प्रिंट करानी होती है, क्योंकि उसमें आपको प्रिंटिंग से लेकर के सिलेंडर से लेकर के डिज़ाइन तक की खर्च आ जाती है, और वही आपका ब्रांड बनाता है। 5 और 10 की आप अगर आइटम उतारते हैं तो हर घर में आप घुस सकते हैं, हर घर में आपका ब्रांड जा सकता है। तो इसमें आप करना काम करना स्टार्ट कर दें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। और जो भी आपको जानकारी चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके हमारे इस वीडियोस के बारे में आप कमेंट करें। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको नए नए वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बोलिए कि मुझे किस टाइप का वीडियो बनाना सूटेबल लगता है, या फिर आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए तो मैं उस पर काम करूँगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी और हमारे इस चैनल पे आती रहेगी। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें, और हमारे दिए स्क्रीन नंबर पे कॉल करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पर धन्यवाद।